दोस्तों, क्या कभी आपने एरोप्लेन में सफर किया है? अगर नहीं किया है तो भी आपको ये बातें जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कभी आपको एरोप्लेन में सफर करने का मौका मिले। तो दोस्तों, एरोप्लेन में मोबाइल फोन को एरोप्लेन मोड में क्यों रखना पड़ता है, क्या ये बात आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों करवाया जाता है। दरअसल दोस्तों, आपके फोन को फ्लाइट मोड पर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आपका यह मोबाइल पूरे फ्लाइट के ऑपरेशन को ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि जब आपके मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखते हैं तो आपने सुना होगा कि हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल फोन को बंद या फ्लाइट मोड में रखने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, आखिर क्या बात है इसके पीछे, चलिए जानते हैं। क्योंकि आपके फोन की सारी डाटा सर्विस जैसे वाईफाई, जीएसएम, ब्लूटूथ सब डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पर नहीं रखा गया तो सिग्नल फ्लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। वहीं फ्लाइट का लैंडिंग और टेक ऑफ होना दोनों ही प्रोसेस में फ्लाइट को कंट्रोल सेंटर से मिलान करना पड़ता है। ऐसे में आपके मोबाइल का सिग्नल प्रोसेस में रुकावट डालते हैं जिसकी वजह से पायलट को ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलने वाले इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुनाई नहीं देते। इसलिए हमेशा फ्लाइट में आपके फोन को फ्लाइट मोड पर रखा जाता है क्योंकि एयरप्लेन में एक छोटी सी गलती कई लोगों की जान ले सकती है।